किसी ने तोहफा दिया है कि बदला लिया है। सो अकली। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी अजीब बात है। जिस भी कलाकार ने इसको बनाया होगा कुछ सोच के बनाया होगा। आरफ बेटा, हमें तो इस मूर्ति में ऐसा कुछ नजर नहीं आया। महाराज जी, इस मूर्ति को बेसमेंट में रखवा दीजिए। आरफ, इसे कली दुकानदार के पास वापस भिजवा देना। हमें ऐसी मूर्ति हमारे घर में नहीं चाहिए। बहुत ही विभत्स मूर्ति है ये। इसे देखकर हमारे दिल में अजीब सा महसूस हो रहा है। बेशक दुकानदार इसे पीछा छुड़वाना चाहता होगा, इसीलिए हमारे यहां भिजवा दिया है। महाराज जी, आप किसी के साथ मिलकर इस मूर्ति को बेसमेंट में रखवा दीजिए। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा ये। हम अपने कमरे में जाना चाहते हैं। बड़ी मां, गाइस इस बात को ये खत्म करते हैं और अपनी आतिशबाजी कंटिन्यू करते हैं। विवान, ये क्या कह रहे हो तुम? घर में इतना बड़ा हादसा होने वाला था और तुम्हें आतिशबाजी की पड़ी है। विवान, संध्या जी सही कह रही, आतिशबाजी आज के लिए बस। अगर पटाखे नहीं तो कार्ड्स, गाइस कार्ड्स तो खेल सकते हैं ना। हाँ, ये अच्छा आइडिया रहेगा। हाँ, कार्ड तो खेल ही सकते हैं। हाँ ठीक है, आप बच्चे लोग कार्ड्स खेल लीजिए, हम सोने जा रहे हैं। हाँ, आज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया। चलो, गुड नाइट। ओके डैड, गुड नाइट। महाराज जी, इसको भरी के साथ रख के समा के नीचे रख देना। साध्वी जी, शुभ अशुभ का तो नहीं पता, लेकिन अभी अभी एक हादसा हुआ सर, लेकिन अब सब ठीक है। भगवान की कृपा से जो बला थी वो टल गई। हमारी भी यही प्रार्थना है समर, कि जो भी हो खत्म हो गया हो और ये किसी और बड़े संकट की शुरुआत ना हो। मेरी चाल, ये मेरे एक 2000 की भी आ गई। कुछ बुरा होने वाला है सिमर, ऐसा कोई काला साया है जो तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुका है और वो सब तहस नहस करने की शक्ति रखता है। सिमर, चलो खेलो। ये लो। गाइस, मैं पैक कर। पैक? ओहो, एक तो पैक हुआ। मुझे लगता है मैं भी पैक। ठीक है, मेरा पैक। भाई आप खेल रहे हो? हाँ बिल्कुल खेल रहा हूँ। खेल रहे हो तो फिर मेरा भी पैक गाइस। मेरी एक चाल। ओके, देखते हैं अब कौन जीतता है। क्या हुआ सिमर, कहाँ खो गई है मेरी 3 पत्ती क्वीन? तेरी बारी है एंड डोंट वरी, ये बाजी तू ही जीतेगी। अरे ऐसे कैसे बात होगी, ये बाजी मैं जीतूंगा 100%। हाँ, भाई जीतेगा। हाँ, करेक्ट। आरव जी, इतना ओवर कॉन्फिडेंस ना सेहत के लिए अच्छा नहीं। मेरी बात मानिए, आप पैक कर दीजिए वरना कहीं बड़ी हार ना आनी पड़े। अब ओवर कॉन्फिडेंस कहीं और से आ रही है, मुझे अपने कार्ड भी मालूम है और अपना गेम भी। ये बात है तो शो करो। ऐसे कैसे, पहले पैसे तो डालिए। पैसे डालने उसमें? मेरा कैश खत्म हो गया है, तुम शो करो, मैं बाद में देता हूँ। नहीं आरुचि, रूल्स रूल्स होते हैं, पहले पैसे डालेंगे फिर शो करेंगे। अपने पति पे इतना भरोसा नहीं है क्या? है, बिल्कुल मत करना।
भरोसा बिल्कुल मत कर, हस्बैंड्स होते ही ऐसे। वैसे ठीक है, अगर आरव के पास पैसे नहीं है तो उसे खेलना होगा ट्रुथ और डेयर, क्यों दोस्तों? बहुत मजा है। तो बताइए आरव जी, ट्रुथ या डेयर? अब मैं हूँ इतना डेयरिंग तो डेयर। सबको मैं बोल दूं, अगर अगर ये मैं डेयर जीत गया तो सिमर को मुझे सबके सामने यहाँ किस। अरे सिमर क्या कर रही है, उसे कंप्लीट तो करने दे। और वैसे भी ये सब तो घर की बात है, क्यों विवान? चल ठीक है, अगर आरव हारा तो उसे किस तो करना होगा, पर सिमर को नहीं बल्कि उस बदसूरत औरत की स्टैचू को। हाँ ये ठीक रहेगा। नहीं नहीं दीदी, ये कैसा डर हुआ, देख कुछ और कराते ना। अरे चुप हो जा सिमर, तू कितनी बड़ी स्पॉइल स्पोर्ट है। अब आरव अगर तुम हारे ना तो तुम्हें अभी के अभी अकेले बेसमेंट में जाना होगा और उस बदसूरत स्टैचू को किसी देनी होगी। कमॉन आरव भाई। अब पहली बात तो वो बदसूरत नहीं है, और दूसरी बात अगर कोई दूसरी बात नहीं, मेरे आरव जी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, सुना आपने? अरे वो भाई असली लड़की थोड़ी है, वो तो एक पुतला है बस। हाँ। एक काम करते हैं, आप दोनों एक साथ अपने पते शो करो, पता चल जाएगा। ओके चलो गाइस, 1 2 3 भाभी जीत गई। ओके ओके। मैंने कहा था ना आरव जी आप हार जाएंगे। तुमसे हार के जीत वाली फीलिंग आती। लेकिन अब आपको वो स्टुपिड सा डेयर करना पड़ेगा। करना तो होगा, डेयर भी करना होगा, अकेले बेसमेंट में जाना भी होगा और उस स्टैचू को किस भी करना होगा। हर टिप नहीं, ठीक है कर लेते। एक ट्विस्ट भी है, जब आप स्टैचू को किस कर रहे होगे ना तो आपको अपनी एक सेल्फी वीडियो बनानी है, वरना हमें पता कैसे चलेगा कि आपने डेयर अच्छे से पूरा किया भी कि नहीं। आरव जी कोई नहीं, ठीक है अभी जाता हूं। अरे अभी तो कर देता हूं। अच्छा तो मैं हार ही जाती। लाइट्स को क्या हो गया? कौन कहता है कि दाग बदसूरत है? बिल्कुल नहीं, ये दाग तो बहुत खूबसूरत है। चलो जो करना है वो भी कर लेते हैं। बहुत सन्नाटा है यहाँ, ये मेरी सांसों की आवाज आ रही है, तुम्हारी मेरी आ रही होगी। अच्छा लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूंगा, मेरे हग्स किसेस प्यार मोहब्बत इश्क सब मेरी पत्नी सिमर के लिए है और किसी और के लिए नहीं, बात समझी? गुड। चलो अब कैमरा ऑन कर लेते और दुनिया को दिखा देते हैं कि जलने वाला दाग भी बहुत खूबसूरत है। ओके सो गाइस, अभी डेयर मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं। Are you ready? She's ready.
कौन कहता ये दाग बदसूरत है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो बहुत सुंदर है। तुम भी सुंदर हो। मूर्ति घर में आ चुकी है। वो मूर्ति नहीं, बला है। मुझे तुरंत वहां जाना होगा। हाँ, अच्छे वाले देता हूँ। वैसे देख रही हो, कोई किसी स्टैचू से ज्यादा ही जेलस नहीं हो रहा है? अरे रीमा भाभी, आप क्यों परेशान कर रहे हो सिमर भाभी को? ऑलरेडी इतनी परेशान है। चुप रे भाभी की चमची, तुझे क्या पता? रोमांस में जेलसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। I agree with you. लेकिन दीप, हरिप जी अभी तक आए क्यों नहीं? अरे आ जाएंगे। ये साध्वी जी का कॉल। सिमर भाभी ये कहाँ चली गई? अरे वो हरिप के पीछे बेसमेंट में चली गई। सिमर भी ना, ये क्या सिमर बाबे की फोन की बैटरी भी डेड हो गई? ओके गाइस, दे आर कंप्लीट। ओके बाय। क्या कर? अच्छा ये गिर गया था। ये रही आपकी अमानत, पर अब मुझे जाना होगा। सिंपल सा डिनर था जो कि कंप्लीट हो गया है। आजकल के बच्चे बिना कह के डिमांड करते हैं। बट नाउ माय वाइफ सिमर इज वेटिंग फॉर मी और मैं यहां से जा रहा हूं। अब तुम मुझे मत रोकना, ठीक है? हाँ, मैं यहां से जा रहा हूं और तब तक तुम ये टुंटना बजाते रहना। ओके ठीक है। तुमने तो नहीं किया ऐसा, तो नहीं कि तुम मुझे यहां से जाने देना चाहती, पर मैं यहां से जाके रहूंगा। ओके फंसना था पैर। पता नहीं आज दिल इतना घबरा क्यों रहा, कहीं अरब जी किसी मुसीबत में ना हो। ये आवाज तो स्टोर रूम की तरफ से आ रही। अरब जी, सिमर फोन क्यों नहीं उठा? ये सिमर ओसवाल का वॉइस मेल, आप बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। थैंक्स। वॉइस मेल? सिमर को वॉइस मेल छोड़ देती हूँ। सिमर, सिमर मुझे समझ में आ गया कि वो काला साया किसका है। हमने अपने ध्यान में वो चीज को देखी है। वो तुम्हारे घर आया हुआ है, एक तोहफा है। सिमर वो एक मूर्ति है, वो जला हुआ है। वो मूर्ति जल गई थी। इसमें बदले की भावना है सिमर। मुझे तो लगता है आरव से उसका लगाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। उस घर पे रहेगी तो सब तबाह कर देगी। वो अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं सिमर, कुछ भी। क्यों नहीं हो रही?
उसी सिमर के पास पहुंचना होगा। यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं है, पर मुझे सिमर के पास जल्द से जल्द पहुंच। सिमर, मेरा पैर फंस गया है यहाँ पे, पता नहीं कैसे। सिमर संभाल के, बहुत अंधेरा है यहाँ पे। मैं आ रही हूँ आरव जी, एक मिनट। भाई छोटे संभाल के, आराम से आराम संभाल के। ये सामान आ रहा है। इतना अंधेरा है यहाँ पर। गॉड सिमर, अरे भाई आरव जी, क्या भाई, क्या? भाई ये पैर, एक सेकंड, कैसे फंस गया? आरव जी आराम से। देवर जी तुम्हें पैर प्लीज हेल्प कीजिए ना। आप ठीक हो भाई? हाँ। अच्छा माता ने कि वैसे ज्यादा कुछ हुआ नहीं। आरव जी ये सब हुआ कैसे? पता नहीं, ये फर्नीचर बहुत डिसऑर्गेनाइज करके रखे हैं। कल महाराज जी को बोलता हूँ अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखे। लाइट्स भी नहीं चल रही इस रूम के। आपको कुछ हो जाता तो दर्द तो नहीं हो रहा? ठीक हो ठीक। यहाँ बहुत अंधेरा है, हम लोग बाहर चल के बात करते हैं। आराम से देखिए, दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं